हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 डेज़ के बाद मैं बाहर गई हुई थी अपने मायके, अपनी मम्मी के यहाँ। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी जो गार्डन की व्यवस्था बना के गई हुई थी मैं, तो चलिए मैं आपको आने के बाद दिखाती हूँ। और अभी जस्ट आई हूँ 4 डेज़ में अपने गार्डन के तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा स्थल कमल बहुत सुंदर ब्लूमिंग हुई है और सारे प्लांट में कोई भी कमी नहीं है। बस मेरा एक अडेनियम का जो प्लांट था वो शुरू से ही रॉट हो गया था, तो मुझे लगा था मैं इसे बचा पाऊँगी, लेकिन हो ही गया वो रॉट। तो होते रहता है। और यहाँ आके देखती हूँ तो बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट टाइप के मेरे फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट फ्लावर बहुत बिग साइज़ का, देखिए थाम्बो आज ब्लूम हुआ है। और बहुत इस बार जो इसका जो फर्स्ट फ्लावर था मैंने आपको दिखा नहीं पाई थी मैं, देखिए इतना बड़ा साइज़ है इसका, बिल्कुल हाथ से मेरे बाहर जा चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके जो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंट होती है, और ये पूरा ब्लूम हो चुका है देखिए इस तरीके से। अब बहुत ज़्यादा बिग साइज़ का, मैं आपको दूर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। और सेकेंड मुझे सरप्राइज़ मिला, वो भी दिखाऊँगी मैं आपको, ये देखिए सेकेंड से सरप्राइज़ मुझे ये मिला। जो मुझे गिफ्ट में प्लांट मिले हुए थे, मैंने कुछ बाय किया हुआ था, तो जो मुझे गिफ्ट में प्लांट मिले थे जिसका आईडी मुझे नहीं पता था, तो वो आज ब्लूम हुआ है। तो ये देखिए ये पेरी बेबी रेड है और काफ़ी बिग साइज़ का इसका फ्लावर्स आज ब्लूम हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। इसकी मिनिएचर वेराइटी है मेरे पास, उधर मैंने पॉट पर लगा के रखा हुआ है वो वाला। तो ये देखिए बहुत सुंदर इसकी ब्लूमिंग हुई है और मन तो बिल्कुल खुश हो गया गार्डन में आते साथ आज मेरे। और इसके जो बगल वाला प्लांट है ना, ये वाला, ये देखिए मैंने इसे रिपोर्ट किया है, ये भी रेड हाइब्रिड है, लेकिन इसकी जो ब्यूटी है ना बहुत ही प्यारी, देखिए इस तरीके से है, नीचे से 5 पेटल हैं और इधर देखिए इसकी ब्यूटी बिल्कुल अनार के दाने की तरह दिख रही है। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि इसके फ्लावर्स मुझे देखने हैं, तो ये मेरे को सेकेंड सरप्राइज़ मिला। और जो थर्ड सरप्राइज था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए थर्ड सरप्राइज़, वानविसा ब्लूम हुआ है आज मेरे गार्डन में फर्स्ट टाइम। और इसके ट्यूबर मेरे पास राइजोम थे, मैंने सेल किए हैं 2-3, और बहुत सुंदर, देखिए हर समय इसकी जो वैरायटी है ना, हमेशा अपने फ्लावरिंग चेंजेस करती रहती है। अभी ये बिल्कुल डबल शेड में खिले हैं, येलो हैं और इस तरीके से ऑरेंज है। तो वानविसा हार्डी में बहुत बिग साइज़ के इसके फ्लावर हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा मुझे मिला सरप्राइज़। और इधर अकीला भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग पर होने वाला है बहुत जल्द इस तरीके से। और सारा मेरा गार्डन देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, बहुत अच्छे से चल रहा है। और मुझे लगा था कि कुछ प्लांट ख़राब ना हो जाए, लेकिन सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। अलमांडा में भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग चालू हो गई है। और इधर आएंगे तो मेरे देखिए पोर्चुलुका का और पर्सलिन के प्लांट है। और इधर मैंने वो प्लांट ट्रांसफ़र किए थे जो मेरे रूट बॉन्ड थे, मैंने शेयर किया था आपसे। तो ये देखिए सारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और थोड़े से इसके लिप्स थोड़े से सॉफ्ट में गए हैं, इस तरीके से येलो हो रहे हैं लिप्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मेरे ये वाले हिबिस्कस को मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये पिंक कलर के हिबिस्कस में इसमें फ्लावर होते हैं मल्टी पैटर्न, बहुत प्यारे दिखते हैं, देखिए हर में बड्स बनी हुई है। और इधर आएंगे तो ये देखिए मेरा देसी वैरायटी का ब्लूम हुआ है। और आज मैं आपको एक दिखाऊंगी पुणे वैरायटी का ही हिबिस्कस, जो बहुत ही अच्छा मेरे गार्डन पे ब्लूम होते हैं। ये देखिए इसका जो कलर है ना, बहुत बहुत प्यारा है, सिंदूरी जो होता है ना उस टाइप के कलर में ये ब्लूम हुए हैं। और इधर देखिए येलो, इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है। तो इस प्रकार से मेरा गार्डन था है, मतलब 2-3 दिन के बाद ओवरव्यू। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इधर देखेंगे तो ये पिंक वाला जो मॉस रोज़ है, देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है इसमें भी। तो तब तक के लिए बाय।